हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संकट के दौरान 2 साल का टैक्स माफ किए जाने पर प्रदेश की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बेहद खुश है। निजी बस ऑपरेटर संघ ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटकर प्रसन्नता व्यक्त की है। संघ ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हित में उठाया गया कदम बताया है। गौरतलब है कि प्रदेश की जयराम सरकार ने अप्रैल 2020 से लेकर नवंबर 2021 तक कोरोना संकट में निजी ऑपरेटर जगत का कारोबार अव्यवस्थित रहने के कारण इस अवधि का टैक्स माफ कर दिया है। सरकार द्वारा माफ किया गया टैक्स लगभग 92 करोड़ रुपए का है। प्रधान जी, आज जो जश्न का माहौल है, राजीव जी, प्रदेश सरकार ने बसों के टैक्स माफ किए, क्या कहेंगे आज जश्न मनाया जा रहा है? ऐसा है कि बड़ी आर्थिक बदहाली में प्रदेश का निजी बस ऑपरेटर जूझ रहा था, जिसकी तकलीफ काफी समय से जो है लंबित पड़ी थी। ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों की पीड़ा को समझा, और जब उनको सारी हकीकत व्यक्त होगी तो उन्होंने बोला इसको माफ़ करने में देरी हो गई है, और उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक का स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स माफ़ किया है। उसी के साथ टैक्सी ऑपरेटरों का टोकन और पैसेंजर टैक्स माफ़ किया है, ऑटो ऑपरेटर का किया है, स्कूल बसों का किया है। ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बस ऑपरेटरों के हित में किया है, जिसके लिए मैं प्रदेश के समस्त निजी बस ऑपरेटर और ख़ास तौर पर मेरा गृह जिला ऊना, मैं सभी निजी बस ऑपरेटरों की तरफ से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और सतपाल सिंह सत्ती, जो योजना आयोग के चेयरमैन हैं, जिन्होंने इसमें मध्यस्थता की, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस पीड़ा को समझ के इतनी बड़ी राहत जो है हमें प्राप्त की है। मैं दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी, आज जो यहाँ पे आज जश्न का माहौल हुआ है, वो इसका श्रेय किसको देते हैं आप? इसका पूरे प्रदेश की प्राइवेट बस ऑपरेटर के जितने भी ओनर्स हैं और हमारा स्टाफ, और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने, प्राइवेट बस ऑपरेटरों का जो दुख है उसको समझकर, जो कोरोना काल के दौरान 2 साल प्राइवेट बसें बंद रही हैं, उसका टैक्स माफ करके प्राइवेट बस ऑपरेटरों प्लस जितने भी लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं उन पे जो है मेहरबानी मुख्यमंत्री ने की, उसके लिए प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और खासकर सतपाल सत्ती जी का भी ऊना जिला से हार्दिक धन्यवाद और स्वागत। मनु जी, आज जो खुशी का माहौल है, इसके बारे में किसका धन्यवाद करना चाहेंगे आप? हम प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रधान मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, और भाई हमारे बड़े भाई अनुराग सिंह ठाकुर, और माननीय बिजली बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्री सतपाल सिंह सत्ती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने प्राइवेट बस ऑपरेटर का जो बड़े लंबे समय से मांग की कि हमारा टैक्स माफ़ किया जाए ताकि हम दोबारा अपना काम सुचारू रूप से चला सकें, तो इन्होंने बहुत ही हमारी सहायता की है और हमारा टैक्स जो बिल्कुल 100% 30/11/2021 तक माफ कर दिया गया है, इसलिए हम सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एनकाउंटरिंग ऊना से सुशील पंडित की रिपोर्ट।